नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस एक हर्बेरियम है उसको बनाना है। इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप और उसको बाद में उसके चारों तरफ टेप लगाना है। जो हर्बेरियम हम बना रहे हैं ग्रीन हाउस बना रहे हैं उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंथ है 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास? एरिया ऑफ द ग्लास फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, 2LB BH + HL। यहाँ पर 2 30 × 25 + 25 × 25 and 25 × 30, LB BH or HL, 25 × 3 = 75, 750 हो जाएगा, 625 हो जाएगा और यहाँ पर भी 750 cm² प्लस कर दीजिए 05, यहाँ पर 5 हो गया, 5 × 7 = 7, 5 = 12 कैरी 1 7 = 8, 8 = 6 = 14, 14 and 7 = 21। अब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 5 = 10, 2 2 = 4 = 15, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4250 cm जो यहाँ पर इसका ग्लास पेन की एरिया होगी। आप ये जानते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कहता है कि हाउ मच अ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये ग्लास पेन है, आपको ये पता है ना कि इसमें कितनी लेंथ होंगी? नहीं पता। यहाँ पर फर्स्ट लेंथ, सेकेंड, पीछे आइए थर्ड, फोर्थ, तो लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर टेप की? यहाँ पर हो गया 4 × लेंथ। इसी तरह से 4 ब्रिड्स होंगी, कैसे? 1 2, यहाँ पे 1 2 3 और इसके नीचे 4, यहाँ पे टेप लगना है ना, टेप यहाँ तो लगना नहीं है, टेप तो कोने पे लगना है, यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे, यहाँ पर 2 × B और प्लस इसी तरह से जैसा बताया गया है तो 2 × H, सॉरी 4, यहाँ पर 4 है तो 4 लगाएंगे ना, सॉरी फॉर दैट, 4L 4 × 30 and 4 × 25 and 4 × H, H भी 25 है और ये सेंटीमीटर, 120 20, हम यहाँ पर 100 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 एंड यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर, 200 and 300, 320 cm टोटल लेंथ होगी। आप आंसर में यहाँ पे नोट कर दीजिए कि एरिया ऑफ ग्लास पेन इज इक्वल टू 4250 cm² एंड लेंथ ऑफ द टेप इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर क्वेश्चन, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फार्मूला जरूर याद करें, देखिए मेंसुरेशन पढ़ने के लिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाएंगे। अगर ये दो चीज़ें हमें लर्न है तो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनको क्लिक करके उनकी स्टडी कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग।